तो दोस्तों एक तरफ तो है लॉकडाउन जो कि भाई बढ़ता ही जा रहा है, और दूसरी तरफ पर मेरी वोडाफोन सिम की इंटरनेट स्पीड जो कि भाई घटती जा रही है। आलम ये हो गया कि आजकल तो यार 600-700 एमबीपीएस या सॉरी यार एमबीपीएस तो सपना ही नहीं देख सकते, 600-700 केबीपीएस स्पीड आने लग गई है। मतलब जहां यार पहले कभी कभार 2-2.5 एमबीपीएस तो स्पीड मिल जाती थी, पर यार टेंशन लेने जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आऊँ। इस वीडियो में आपको मैं किसी पिन सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिसका यूज करने के बाद आप आपकी वोडाफोन इंटरनेट स्पीड को पोस्ट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यार अगर आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई नीचे जाओ, पहले सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, उसके बाद वीडियो को पूरी देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूर्य प्रताप सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी टेक में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ओकला एप्लीकेशन के अंदर स्पीड टेस्ट करके बता देता हूँ कि जो अभी हमारी करंट टाइम की स्पीड है वो कितनी आ रही है। तो एप्लीकेशन को खोल के स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्पीड टेस्ट हो रहा है, ओहो क्या बात है, 18 एमबीपीएस आ रही है क्या? नहीं, ये देखिए स्पीड डाउन हो चुकी है। और अभी करंट टाइम पे भारी हमारी स्पीड 4 एमबीपीएस, 3 एमबीपीएस, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन चल गया। तो 3-4 एमबीपीएस जा रही है अभी स्पीड। और बात की जाए अगर हमारी अपलोडिंग की स्पीड की, ये देखिए ये तो 5.60 एमबीपीएस हो चुकी है, तो वो भी ज़्यादा कुछ खास आ नहीं। तो मैं बता दूँ एपीएन सेटिंग करनी कैसी है। सबसे पहले सेटिंग पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पर आपको सिम कार्ड पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको वोडाफोन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे एक्सेस पॉइंट नेम्स का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग सेव हो रही है, तो यहाँ पर नीचे न्यू एपीएन पे क्लिक करते हैं। ऊपर नेम के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर आपको लिखना है स्पीड मैक्स टर्बो। ठीक है, स्पीड और मैक्स और टर्बो का तीनों का फर्स्ट स्टेप जो अक्षर होता है हमें कैपिटल लिखना है वो, ठीक है, उसको ओके कर देना है। उसके बाद आपको एपीएन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर सिर्फ www लिख के छोड़ देना है, ना आपको यहाँ पर कुछ .com वगैरह कुछ नहीं लिखना, सिंपली 3 बार w लिखना है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉक्सी पोर्ट यूजर नेम पासवर्ड सब खाली छोड़ना है, यहाँ तक कि सर्वर भी खाली छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपके ऑथेंटिकेशन टाइप, इसमें आपको यहाँ पर 4th नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद एपीएन टाइप, यहाँ पर आपको लिखना है डिफॉल्ट कोमा MMS, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर, इसको ओके कर देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आता है APN प्रोटोकॉल का, इसके देख लेना आपके IPv4 और IPv6 हो, ऐसे ही APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपके IPv4 और IPv6 सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, BRR सेटिंग आएगी आपके यहाँ पर। अब जिसके यहाँ पर आपकी सारी BRR सेटिंग नहीं आती है तो आपको उसको अनस्पेसिफाइड को हटा के सिर्फ LTE सेलेक्ट करना है। ठीक है, और अगर आपके मोबाइल में सारी BRR सेटिंग आती है तो आपको यहाँ पर LTE के साथ HSPAP, HSPA, HSUPA और ये नीचे से आपको 2 BRR और सेलेक्ट करनी है जो कि है IS95B, IS95A। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। अब आपको सिंपली इसको सेव करना है। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करते देखिएगा आप ऊपर से मेरा नेटवर्क चल गया है, इंटरनेट आ गया है। ठीक है, मेरा नेटवर्क दोबारा आ गया, मैं आपको स्पीड टेस्ट करके बताता हूँ अब मोबाइल में स्पीड कैसे आ रही है। दोस्तों एक बात और मैं आपको जरूरी बताना चाहूँगा, ये हमारी पुरानी स्पीड शो कर रही है जो हमने टेस्ट करा था। अगर आप कोई भी APN सेटिंग सेव करते हैं और अगर आप फ़ोन रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको स्पीड टेस्ट में टाइम लगा। जिस तरीके से एग्जांपल अभी मैं देने वाला हूँ, अभी मैंने यहाँ पर मेरा फ़ोन रीस्टार्ट नहीं करा है तो ये अच्छे से कॉन्फिगर नहीं हो पाई APN सेटिंग, तो अभी ये हमारे जो वोडाफोन का फाइंडिंग सर्वर कर रहा है ये थोड़ा टाइम ले रहा है। इसलिए मेक श्योर अगर आप लोग APN सेटिंग को सेव करते हैं तो एक बार यार अपना फ़ोन को रीस्टार्ट ज़रूर कर लेना। ठीक है, ये सर्वर में टाइम ले रहा है, फाइंडिंग सर्वर में, ये लो इसको सर्वर मिल गया वोडाफोन इंडिया जयपुर का। अब स्पीड टेस्ट हो रहा है और स्टार्ट, ये देख सकते हो यार आप, मतलब ये 48 एमबीपीएस तक गई थी अभी हाईएस्ट स्पीड हमारी, और लगभग ये 39-40 एमबीपीएस आ रही है जो पहले हमारी 3 एमबीपीएस आ रही थी। और अपलोडिंग स्पीड की बात की जाए तो यार देख सकते हो आप यहाँ पर 18-17 एमबीपीएस स्पीड अभी हमारी अपलोडिंग की आ रही है। अब मैं आपको एक और बार स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ ताकि बहुत से लोग ये नहीं बोले कि यार ये तो फर्स्ट टाइम पर ही आती है, सेकंड थर्ड टाइम पर नहीं आती है। तो देख सकते हैं आप सेकंड टाइम पर भी हमारी स्पीड वही मैक्सिमम हमारी 40-41 एमबीपीएस तक गई है। देखिए अभी भी 41 एमबीपीएस हमारी डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है। सेम ऐसे अपलोडिंग स्पीड का भी टेस्ट करते हैं, यहाँ पर भी 18-17 एमबीपीएस स्पीड आ रही है। ओहो, और फाइनली एक बार लास्ट दोबारा मैं आपको स्पीड टेस्ट करके बताता हूँ कि कितनी आ रही है। तो भाई इस बार भी आप देख सकते हो यार 40-42, यूँ नहीं है कि मतलब बस एक बार मैंने स्पीड टेस्ट करके दिखा दिया और उसके बाद आपको स्पीड शो नहीं करेगी, तो आपको हर बार जब भी आप स्पीड टेस्ट करोगे ना आपको यही सेम स्पीड देखने को मिलेगी। देख सकते हैं आप अभी भी 18 एमबीपीएस की आ रही है अपलोडिंग स्पीड मेरे। जाना नहीं जाना नहीं, रुक जाओ, अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है, पहले पूरी बात सुनो उसके बाद जाना। वीडियो गया तो तुम पूरे देखते नहीं हो, बीच में निकल जाते हो, फिर कहते हो भाई काम नहीं करी, तो मेरी बात सुनो। जिस तरीके से एक मोबाइल हमेशा परफेक्ट नहीं होता ना, तो भाई ऐसी APN सेटिंग होती है वो हमेशा परफेक्ट नहीं होती हर डिवाइस के लिए। वैसे तो ये APN सेटिंग मेरे ख्याल से 90% से ज्यादा यूजर्स के काम कर जाएगी,
90% तो मैंने तो कैलकुलेट से कैलकुलेट करी, बट फिर भी मैक्सिमम यूजर के काउंट कर जाएगी, ये काम कर जाएगी। बट अगर फिर भी आपके नहीं करी हो ना, तो आपके यहाँ पर ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, इधर भी आ रहा होगा, इधर भी आ रहा होगा। एक आ रही होगी पबजी वालों के लिए कि आपके पिंग की अगर प्रॉब्लम चल रही वोडाफोन सिम के अंदर तो वो कैसे दूर करें, और एक आ रही होगी वोडाफोन की भी इंटरनेट स्पीड को लेकर। दोनों पिन को आप जाके यूज कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको ये वाली पिन काम नहीं करे तो ये वाली जरूर काम करेगी, तो जाके वीडियो को देखो। और अगर इंटरनेट स्पीड काम कर रही है, मूवी वगैरह डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आपका आई बटन पर एक और लिंक आ रही होगी टेलीग्राम से मूवी डाउनलोड करने की, उसको भाई डाउनलोड करो, मूवी डाउनलोड करो, मस्ती से देखो, मजे करो। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।